हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चाप, मटन चॉप्स। ज़रूर ट्राई करिएगा, बकरीद का सीज़न भी आने वाला है तो बकरीद में बहुत ही बेहतरीन रहेगी ये रेसिपी। मेरी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। ये है मटन चाप 1 kg, ऑयल 1/4 कप, साबित गोल लाल मिर्चें 7 से 8, एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने स्लाइस कर लिया है, साबित काली मिर्चें या पिसी हुई 1/4 चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, हरी मिर्चें 3 से 4 गार्निश के लिए, लेमन 3 to 4 और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और लहसुन की एक पूरी पोटली हम यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखें, मैंने ये जो साबित मिर्चें हैं ये रोस्ट करने के लिए फ्राई पैन पर रख दिए। बस थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें तो ये रोस्ट हो जाएगा, फिर हम इसे पीसेंगे। ये देखें, ये साबित लाल मिर्चें जो हैं इन पर कलर आ गया थोड़ा सा, ये रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे। मैंने ये इसको छील लिया है अदरक को और इस तरह टुकड़े काट लिए हैं, उसका हम इसको चॉपर में पीसेंगे। साथ में जो काली मिर्चें थी ये भी डाल दी। ये मैं जो लाल मिर्ची रोस्ट करके लाई थी ये मैं तकरीबन 6-7 डाल रही हूँ। और अब इसको लहसुन के बारे में मुझे बताना है कि लहसुन को किस तरह से करना है। अब जैसे ये लहसुन है, इसके पहले से ऊपर से अच्छी तरह छिलके उतार लें, ऊपर वाले से ऊपर वाले छिलके उतारने हैं हमें। ये देखें, ये मैंने ऊपर का छिलका उतार दिया है और ये अंदर के छिलके जो है छोड़ देंगे इस तरह से, देखें। और इसको हम अपने चॉपर में छिलके समेत डाल देंगे। वह ऊपर वाला उतार दिया हमने, तरह सा पूरी पोटली में डाल दूंगी। अब ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें चॉपर में डाल दी हैं, अब इसको पीस। इस तरह से ये पीस लिया है, सारा पिसा गया है और अब ये एंड में हम यूज़ करेंगे। ये देखें, एक पैन में सबसे पहले 1/4 कप हमें ऑयल डालना होगा, उसके बाद उसके अंदर हम अपनी प्याज डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई। अब इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से प्याज से गोल्डन कलर कर लें। उसके बाद फिर हम इसमें मटन ऐड करेंगे, पहले ये गोल्डन हो जाए फिर इसमें हम मटन ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे आपको एक टिप देनी थी कि मटन को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है वरना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें, ये प्याज जो है वो गोल्डन हो गई है, हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है, गोल्डन रखनी है। अब इसके अंदर हम अपनी चाप डाल देंगे सारी और अब इसे हम थोड़ी देर 5-10 मिनट तेज़ आंच पर इसका पानी सुखाएंगे और साथ में हम नमक भी डाल देंगे हसबे ज़ायका। तो ये तेज़ आंच पे हमें अभी चाप का पानी सुखाना है, मतलब चाप को भी हमें फ्राई करना है 5 मिनट तक। ये देखें, मुस्तकिल आप जो है चमचा चलाते रहें और 5 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मेरा तकरीबन पानी जो है वो खुश्क होने वाला है, फिर हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है, अब ये तेल नज़र आने लगा है हमें। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी तकरीबन जिसमें चाप गल जाए पानी डालकर थोड़ा मिक्स करके इसको ढक कर गोश गलने तक पकाना है। अब ये चाप पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में गलेगी, बाज़ों का चाप आधे घंटे में गल जाती है, बाज़ों का घंटा लेती है, तो अपने हिसाब से इसको गलाएं ढक कर। ये देखें, वक्त वक्त से ढक्कन खोल के आप देखते रहें चाप को कि कितनी गल गई है, ऐसा ना हो कि लग जाए नीचे। तो चमचा चलाते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके ढक्कन खोल के इसको चेक करें और फिर चमचा चला दें और फिर ढक के इसको अगेन रख दें। ये देखें, ये चापें जो हैं वो गल रही हैं, मेरी तो चापें आधे घंटे में ही गल रही हैं। अब आप अपनी देख लिया कितनी देर में गलेगी, पानी खुश्क हो गया इसका पूरा, देख रहे होंगे आप पूरा पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने चटनी बनाई थी, जो पेस्ट बना के रखा होता लहसुन अदरक का, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मिला के ऐड करें ताकि बिल्कुल ड्राई ना हो। ये देखें, ये पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह से, मिक्स करें। मिक्स करके फिर इसके अंदर हम नींबू ना छोड़ेंगे, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
ये देखिए मैंने चाकू में मसाला अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे अपने, 2-3 लेमन जितना आपको पसंद हो उतने आप इसमें स्क्वीज़ कर लें। सही है, अच्छी तरह से इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लिया। आखिरी में ये हरी मिर्चों को इस तरह से मैंने काट लिया है। ये सारी डालकर हरी मिर्चें हम इसको ढक कर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखें ये 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलेंगे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी और ये हमारी चाप तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। चापें रेडी हैं दोस्तों, मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता, अगर ज़्यादा गलाएंगे तो फिर चापों का वैसा मज़ा नहीं रहता, तो इसे कम गलाएं। और दूसरी बात ये कि जब आप इसका मसाला पीसें तो जग में पानी डाल के अगर पीस लेंगे चटनी की तरह तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो छिलके वगैरह बहुत अच्छी तरह से पिस जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।